हरे कृष्णा राधे राधे। मैं रिंकू चौहान, जैसे कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पूरे जम्मू वासियों को इस्कॉन जम्मू की तरफ से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारा जो 26 तारीख को सोमवार को जो जन्माष्टमी का उत्सव है, बड़े ही धूमधाम तरीके से इस्कॉन जम्मू ड्रीम सिटी मुठी में मनाने जा रहे हैं। जैसा कि हर पूरी दुनिया में इसका इस्कॉन इसको मनाता है, तो हर बार की तरह इस बार भी जम्मू में इसको मनाया जा रहा है। तो ये शाम के 6 बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा, भव्य कीर्तन होगा। शाम के 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक 11 बजे अभिषेक होगा, 12 बजे भगवान का जन्म होना है। उसके बाद प्रसाद जो व्रत रखा हुआ है, जल फलवार जो सभी के लिए, पूरी जानकारी हमारे अरविंद प्रभु जी हैं, ये पूरी जानकारी इसमें देंगे जन्माष्टमी में। कृष्णा, सभी जम्मू वासियों से निवेदन है कि जैसा आप परिचित हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत इस्कॉन ड्रीम सिटी जम्मू के कार्यकलाप आप देखते हैं, हम लोग युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, स्कूलों में जाके प्रचार करते हैं, युवाओं को जो है शिक्षित करते हैं और बाकी सबको शिक्षा देते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यदि आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में हरे कृष्णा आंदोलन जो है उसकी क्रांति चल रही है, जो कि पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं। अभी हमारे पास 600 से ज़्यादा केंद्र हैं, फार्म कम्युनिटियां हैं, गुरुकुल हैं, जिसमें कि शास्त्रों के अनुसार जो है प्रचार हो रहा है। और जो कि कलयुग के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कि ये हरे कृष्ण महामंत्र को लेके आए हैं, ये सभी समस्याओं का समाधान है। अभी यदि आप देखेंगे सारी रेस जो है, सारा विश्व जो है डेवलपमेंट की ओर, डेवलपमेंट के विकास के पीछे पड़ा है, लेकिन इतना विकास के पीछे पड़ने के बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि देश देश के साथ लड़ रहा है, राज्य राज्य के साथ लड़ रहा है, परिवार परिवार के साथ लड़ रहा है, परिवार के सदस्य आपस में लड़ रहे हैं। और हर मनुष्य के अंदर अपने मन के साथ निरंतर संघर्ष चल रहा है। तो इस सब का यदि हम भौतिक समाधान करें तो वो क्षण भंगुर है, उससे कोई समाधान नहीं होगा। लेकिन अगर हम भगवान के दिए हुए आदेश पे चले, क्योंकि भगवान का दिया हुआ आदेश है कि वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी धरती जो है ये एक परिवार है। और केवल मनुष्य जाति नहीं, बल्कि जो पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, पंछी हैं, सब को यदि हम एक परिवार समझें, तो हम भगवान के आदेशों का पालन करते हुए अपने भीतर भी परिवर्तन का को महसूस कर सकते हैं। और जब हमारे अंदर परिवर्तन आएगा तो इस भक्ति से पूरे विश्व के अंदर परिवर्तन आ सकता है। तो इसी संदेश को देने के लिए, क्योंकि अभी सबसे बड़ा कार्यक्रम आ रहा है पूरे साल का, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, वो सोमवार 26 अगस्त को आ रहा है। पूरे दिन भर कीर्तन चलेगा, खासकर शाम को 6 बजे से आरती कीर्तन और भगवान कृष्ण की लीलाओं पे नाना प्रकार की नाटिकाएं होंगी, अभिषेक होगा और सबके लिए प्रसाद होगा। तो हमारा सभी जम्मू वासियों से विनम्र निवेदन है, खासकर जम्मू के युवाओं से निवेदन है, जिनको कि अपने जीवन में एक दिशा चाहिए, हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप लोग आइए, इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए, अपने जीवन में कृपा जो है उसको प्राप्त कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।